राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। बताया जा रहा है कि तमाम अलग अलग बड़े मुद्दों के साथ साथ पार्टी की आंतरिक मजबूती को लेकर भी चिंतन मंथन हो रहा है। लेकिन इस बीच पंजाब कांग्रेस में उसका एक और विकेट डाउन हो गया है। पंजाब कांग्रेस के कुछ सबसे वरिष्ठ चेहरों में शुमार और यहाँ के कुछ सबसे धाकड़ नेताओं में गिने जाने वाले सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। पार्टी को गुड बाय की अनाउंसमेंट उन्होंने एक सोशल साइट के जरिए की है। पार्टी छोड़ने के इशारे वे पहले ही कर चुके थे। पार्टी छोड़ने की घोषणा से पहले ही उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो में कांग्रेस नेता होने का प्रोफाइल हटा दिया था। उनके इस बड़े फैसले से जाहिर है कांग्रेस आलाकमान को झटका जरूर लगा होगा, जो इन दिनों उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर की बैठकों में व्यस्त हैं। दरअसल सुनील जाखड़ ने पिछले दिनों पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी की आलोचना कर दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ पार्टी आलाकमान ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। चर्चा है कि अपने खिलाफ नोटिस जारी होने से वे खासे नाराज हो गए थे। उन्होंने हालांकि उस नोटिस का जवाब तो नहीं दिया, अलबत्ता पार्टी को छोड़ देना ही उन्होंने मुनासिब समझा। अपनी व्यथा जाहिर करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियां कांग्रेस की सेवा करती आ रही हैं। पिछले 50 सालों से वे पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन ताज्जुब है कि कांग्रेस की सेवा के इतने वर्षों बाद उन पर पार्टी लाइन पर ना चलने का आरोप मढ़ते हुए सभी पद छीन लिए जाते हैं। जाखड़ ने कहा कि इस सबसे उनका दिल अब टूट चुका है। उनके इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की कार्यशैली और कांग्रेसी नेताओं की तुनक मिजाजी को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से कांग्रेस में ये प्रचलन बढ़ गया था कि नेता खुले मंचों से मीडिया के सामने ही धड़ल्ले से एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखाई दे जाते थे, जिस पर राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपनी तेलंगाना यात्रा के दौरान चेतावनी भी दी थी कि पार्टी में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि पार्टी में आपसी मनमुटाव की बातें या गिले शिकवे मीडिया के सामने जाहिर नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि उसे पार्टी फोरम में सुलझाना चाहिए। राहुल गांधी ने उस दौरान नेताओं को इसके लिए चेतावनी भी दी थी कि अगर ऐसा पाया गया तो अनुशासन की कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि इस फैसले के बाद सुनील जाखड़ ने पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले राहुल गांधी को सलाह भी दी है कि वे चापलूसों से सावधान रहें और उन्हें दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसमें फर्क करना नहीं सीखा तो पार्टी का नामो निशान भी मिट जाएगा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की सराहना करते हुए उन्हें कमान अपने हाथों में लेने की बात भी कही। अपने दिल की भड़ास निकालते हुए जाखड़ अंबिका सोनी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने उनके एक बयान जिसमें अंबिका सोनी ने पंजाब में सीएम हिंदू होने की बात कही थी, उसकी आलोचना करते हुए कहा कि वो अपने बयान बार बार बदल देती हैं। दरअसल पिछले साल जब जाखड़ के सीएम बनने की बात उठी थी तो उस वक्त अंबिका सोनी ने ये कहते हुए उस पर विराम लगाने की कोशिश की थी कि पंजाब का सीएम तो सिख ही होना चाहिए। अंबिका सोनी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि सोनी ने ऐसा बयान देकर पंजाब में सिखों और हिंदुओं दोनों की तौहीन की है। गौरतलब है कि इस समय कांग्रेस खुद को मजबूत स्थिति में लाने और मजबूती से देश की राजनीति में सक्रिय होने को लेकर लगातार कोशिशें कर रही है। इस बीच उसकी कोशिश प्रदेश स्तर पर नेताओं के आपसी बैर को खत्म करने और एकजुटता पर जोर देने की भी है, लेकिन पार्टी के मौजूदा हालात और नेताओं की नाराजगी उसकी ऐसी कोशिशों पर पलीता लगाती दिख रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।